दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी अनकही। आज हाईवे पर ज्यादा कारें नहीं दिख रही थी। मैं वैसे तो कार और जिंदगी दोनों ही तेज स्पीड में चलाना पसंद करता हूं, लेकिन आज स्पीडोमीटर की सुई 50-60 के बीच में ही घूम रही थी। दिमाग में उठ रहे ख्यालों की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए शायद धीरे चलती हुई कार ठीक लग रही थी। कल रात मम्मी का फोन आया था। निखिल बेटा, घर आ जाओ, पीयूष मुसीबत में है। पीयूष और मुसीबत, ये कैसे हो सकता है? उसका और मुसीबत का तो दूर दूर तक कोई वास्ता हो ही नहीं सकता। पीयूष मेरा बड़ा भाई, उम्र में तो मुझसे बस 1 साल ही बड़ा है, लेकिन पूरा जेनरेशन गैप है हमारे बीच। वो बचपन में भी पापा की तरह बातें करता था, आदर्शों की, मॉरल्स की, और नियम और कानून को जीत से ऊंचा मानता था। इसीलिए वो शुरू से पापा का आदर्श बेटा रहा है और मैं था नालायक बेटा। था क्या, अभी भी हूं। उनको कभी मुझमें कोई अच्छाई दिखी ही नहीं। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, और ऐसा नहीं कि मैं ऐसी बातें नहीं मानता हूं, लेकिन मुझको हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं हर हाल में जीतना चाहता हूं। ये किलर स्पिरिट उसमें कभी थी ही नहीं। हम दोनों अलग थे। वो शांत था, मैं शरारती। वो पढ़ाई में अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स में। वो क्लास में फर्स्ट आता था, मैं स्कूल के लिए क्रिकेट में ट्रॉफी जीत के लाया था। लेकिन पापा से मेरी कभी बनी ही नहीं। वो मेरे लिए सिर्फ आर्मी के ड्रिल मास्टर की तरह थे, बस सजा देने को तैयार। स्कूल से जब कंप्लेंट आती तो मेरी क्लास लगा देते, मुंह से कम छड़ी से ज्यादा समझाते थे। मैंने एक ठंडी सांस छोड़ी। आजकल का टाइम होता तो बच्चे पे हाथ उठाने के जुर्म में पापा पे केस हो जाता। सच, मजाक की बात नहीं है। वो तो पीयूष बीच में आ जाता और पापा को रोक देता था। पापा कभी खुद थोड़े रुके। आज भी पापा के बारे में सोचते ही गुस्सा आ जाता है, खासकर उस दिन को याद करके जब स्कूल असेंबली में पटाखे चलाने पे मैं पकड़ा गया था। मेरे बाकी दोस्तों के मम्मी पापा प्रिंसिपल से माफी मांग के अपने बच्चों को घर ले गए थे, लेकिन पापा न खुद आए और न मम्मी और पीयूष को आने दिया। मैं पूरी रात डिटेंशन रूम में रहा। उस दिन के बाद से मैंने पापा से बात नहीं की, और जब कॉलेज के लिए यहां से निकला तो वापस मुड़ के नहीं आया। शुरू में कभी कभार मम्मी और पीयूष को मिलने के लिए अपने पास बुला लेता था, लेकिन पीयूष की शादी के बाद वो भी बंद हो गया। अब वो फैमिली मैन हो गया था। मैं 35 साल का हूं, एक सक्सेसफुल लॉयर हूं, और मुंबई में अपने बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट में रहता हूं। एक मकाम हासिल किया है। और पीयूष आज कहां है? इसी छोटे शहर में एक मामूली सी नौकरी कर रहा है, और उसी घर में मम्मी पापा और बीवी बच्चों के साथ रहता था जिसमें हम पैदा हुए थे। लेकिन आज भी पापा का राजा बेटा कौन है? जी हाँ, सही जवाब, मर्यादा पुरुषोत्तम पीयूष। अगर मम्मी ने फोन नहीं किया होता तो शायद मैं आज भी यहां नहीं आता, लेकिन मम्मी ने भी तो पूरी बात बताई नहीं थी। आखिर पीयूष किस मुसीबत में फंस गया था? अब तक मैं उस पुल पर पहुंच गया था जिसके बाद शहर शुरू हो जाता है। वही छोटा सा शहर जिसको मैंने कभी याद नहीं किया, कभी नहीं। मुझे मुंबई जैसे बड़े शहर की चकाचौंध और तेजी से भागती हुई जिंदगी पसंद थी। यहां इस छोटे शहर की खामोशी मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन पीयूष ऐसा नहीं सोचता था। मैं जब भी उससे कहता कि करियर के लिए उसको किसी बड़े शहर में रहना चाहिए तो वो सर हिला देता। नहीं यार, ये शहर ही मेरा घर है, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। हम दोनों ही गलत नहीं थे, बस अलग थे। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक्स फैक्टर होना जरूरी होता है, जीतने के लिए एक भूख जरूरी होती है। वो पीयूष में बिल्कुल नहीं थी। मुझे याद है जब मैं 11th में था, इंटर स्कूल क्रिकेट मैच चल रहे थे, पीयूष अंपायर बना तो मैं बहुत खुश हो गया कि भाई अब तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर पीयूष ने 1-2 जगह थोड़ी ढील दे दी होती तो हम जीत गए होते। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। क्या यार, तुझे वहां आउट देना जरूरी था क्या? आज तेरी वजह से हार गए हम। वो बोला, निक्कू तू आउट था तो आउट कैसे नहीं देता? पापा ने हमारी बात सुन ली और फिर मेरी क्लास लग गई। गांधी और विवेकानंद का लेक्चर दे दिया, लेकिन उस दिन हारने की वजह से मेरा दिमाग घुमा हुआ था। मैंने चिढ़ के कोई गलत जवाब दे दिया होगा, क्योंकि उस दिन की सुताई मुझे आज भी याद है।
पापा को गांधी जी का सिर्फ सच्चाई वाला सबक याद था, अहिंसा वाला चैप्टर भूल गए थे। मैंने एक ठंडी सांस भरी और कार की स्पीड थोड़ी कम कर दी। घर सामने ही दिख रहा था, बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा हमेशा से था। पेंट का रंग भी वही था, सफेद, उस पे वही काली पत्थर की नेम प्लेट, गौरव शुक्ला। बाहर पापा चहलकदमी कर रहे थे। उनको देखकर एक पल के लिए मुझे कुछ झटका लगा। पापा इतने बूढ़े कब हो गए? कमर इतनी कैसे झुकी? और ये हाथ में चलने वाली लाठी, ये कब हुआ? मैं रास्ते भर सोच रहा था कि पापा को देखते ही कहूंगा, आज आपका फेवरेट बेटा कैसे मुसीबत में फंस गया। लेकिन उनको देखकर मुझसे कुछ कहा नहीं गया। मैंने पैर छुए और उनको देखने लगा। उनके चेहरे की झुर्रियां बढ़ गई थी, लेकिन रॉब अभी भी वैसा ही था। पिछले कुछ सालों में हमने फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की थी। पीयूष या मम्मी जब जबरदस्ती फोन पकड़ा देते थे तो सब ठीक है, हाँ, के अलावा कोई बात नहीं हुई थी। इसलिए जब वो बोले, पीयूष पुलिस हिरासत में है, उससे कल एक एक्सीडेंट हो गया था, उस बंदे को काफी चोट लगी है, पता नहीं बचेगा भी कि नहीं, तो मुझे उनकी कही हुई बात से ज्यादा उनकी मध्यम पड़ गई आवाज की कंपन हिला गई। ये वो रौबदार गूंजती हुई आवाज नहीं थी जो मुझको याद थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो ये मुसीबत थी, एक्सीडेंट। पर हैरानी की बात यह थी कि पीयूष से एक्सीडेंट हो कैसे गया? उसने तो कभी साइकिल तक दूसरे गियर में नहीं चलाई, कार तो तेज चलाने का सवाल ही नहीं था। तब तक मम्मी बाहर आ गई थी, आंखें सूजी हुई थी, मुझे देखकर गले से लगा लिया। अच्छा हुआ तो आ गया निक्कू, मैं तो बहुत घबरा गई हूं। मैं उनसे कुछ कहता इससे पहले ही दरवाजा फिर खुला और श्रद्धा बाहर आई। श्रद्धा पीयूष की बीवी और मेरी बचपन की दोस्त। श्रद्धा मेरे क्लास में ही पढ़ती थी, हम दोस्त थे और बचपन से एक दूसरे को जानते थे। उसके मम्मी पापा का हमारे घर काफी आना जाना था और श्रद्धा पीयूष से मैथ्स पढ़ती थी। मैं उसको जब भी देखता उसकी चोटी खींच देता और वो रोते रोते पीयूष से शिकायत करती। तभी शुरू हुआ होगा दोनों का ये प्यार मोहब्बत का चक्कर, पक्की बात है। चाहे ये दोनों ही ना बताएं, लेकिन मुझको पूरा यकीन है कि इनकी लव स्टोरी का पूरा क्रेडिट मुझको मिलना चाहिए। तब की बात और थी, लेकिन शादी के बाद हम बिल्कुल ही नहीं मिले थे। उनकी शादी पर मेरा एक बहुत बड़ा केस चल रहा था, इसलिए मैं बिना कुछ कहे ही फेरों के बाद निकल आया था। फिर यहां घर वापस आया ही नहीं, फोन पे बात हो जाती थी। लेकिन पीयूष और श्रद्धा से ज्यादा मैं उनके दोनों बेटों से बात करता था। उनका बड़ा बेटा 5 साल और छोटा 3 साल का है। साड़ी पहने जूड़ा बनाए ये लड़की वही श्रद्धा है जो बात बात पे रो देती थी। उसकी आंखों में लाल डोरे थे, लेकिन मुझे देखकर वो हौले से मुस्कुराई। आज तू आ रहा था ना, इसलिए जूड़ा बनाया है। मैं उसके पास गया, अपना सीधा हाथ आगे करके जैसे हाथ मिलाना चाहता हूं, फिर बिना हाथ मिलाए ही उसका जूड़ा खोल दिया। वो हंसने लगी, रो के जाती भी कहां, भाई तो उसको बचाने के लिए वहां था नहीं। अभी तक मैंने इस बात को महसूस नहीं किया था, लेकिन उस पल में मुझको पीयूष की कमी खटक गई। मैं वहां सोफे पर बैठ गया, मम्मी मेरे पास आकर बैठ गई। तभी पीयूष का बड़ा बेटा अंदर आया, मुंह से कुकर की सीटी की तरह ऊंची आवाज निकालता हुआ। मम्मी और श्रद्धा एक साथ बोली, स्टॉप इट। पीछे से पापा बोले, आ गया निखिल पार्ट टू। मुझे हंसी आ गई, हाँ ऐसा ही था मैं, बिल्कुल ऐसा ही, शोर और हुड़दंग मचाता हुआ। मैंने उसको इशारे से बुलाया। वो अभी तक जिस चाचू को सिर्फ बढ़िया गिफ्ट और वीडियो कॉलिंग से जानता था, उसको सामने देखकर वो एक पल रुका, फिर फुल स्पीड से भागता हुआ मेरी गोदी में कूद गया। मैं जोर से हंस पड़ा। मैंने कौन से गेम ठीक भेजे थे, कौन से बकवास थे, अब कौन से नए आए हैं, और अब इस बार उसको अपने बर्थडे पे क्या चाहिए। उसने मेरे गले में बाहें डाली और बोला, चाचू मैं बड़े होके ना आपकी तरह स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन बनूंगा। मैंने उसके बाल से हिलाए और उसको प्यार किया। इसे पता था, मतलब इस घर में अभी भी मेरी बात होती थी। पापा फोन पर बात कर रहे थे। मैंने मम्मी की तरफ देख के कहा, फिकर मत करो मम्मी, अब 2 दिन कोर्ट बंद है, उसके बाद भाई की बेल हो जाएगी। तब तक पापा ने फोन रख दिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। नहीं निक्कू, इंस्पेक्टर का फोन था, वो आदमी नहीं बचा।
अब चार्ज सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं है। मम्मी और श्रद्धा के चेहरे पर डर था, अब मामला सीरियस हो गया था। लेकिन मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया, दोनों से कहा, डोंट वरी, कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझे केस की चिंता नहीं थी, मैंने ऐसे बहुत से केस जीते थे, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है। मुझे यकीन था कि मैं इसको संभाल सकता हूं। पापा सामने आकर बैठ गए। कैसा रास्ता? निकू, अब मैन स्लॉटर का केस बन गया है। मैंने पापा के चेहरे पर घबराहट कभी नहीं देखी थी, लेकिन मुझे उनकी चिंता देखकर गुस्सा आ रहा था। क्या इनको आज भी मुझ पर भरोसा नहीं है? ये जानते भी हैं कि मैं कितना अच्छा वकील हूं। केस जीतने का मेरा रिकॉर्ड है, और इस केस में तो कुछ है ही नहीं, ये तो कोई नौसिखिया वकील भी जीत सकता है। मैंने फिर कहा, पापा कोई जुगाड़ लगा लेंगे, कानूनी बातें आपको समझ नहीं आएंगी, वो आप मुझ पर छोड़ दो, बस पीयूष को सजा नहीं होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा मेरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे मैंने उनको गाली दे दी हो। चिल्लाते हुए बोले, जुगाड़? निकू, तू ये क्या बकवास कर रहा है? तुझमें अभी भी सही गलत की समझ नहीं आई क्या? क्या झूठे गवाहों से केस जीतेगा? तुझे किसी का भी लिहाज नहीं है क्या? उफ, अब ये फिर अपने गांधीवाद पर उतर आए थे। लेकिन आज मुझे भी गुस्सा आ रहा था। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, लेकिन पापा को देखो, सबके सामने, श्रद्धा के सामने कैसे डांट रहे हैं मुझको। अभी भी बोल रहे थे, चल तुझे सच्चाई पे भरोसा नहीं है, लेकिन वकीलों के कानून पे तो भरोसा रख। मैंने भी उखड़ के पूछा, कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो पापा? सच्चाई तो यह है कि पीयूष ने एक आदमी की जान ली है, अब बताओ क्या करें। पापा चुप हो गए। दोनों बच्चे मेरी तरफ घबरा के देखने लगे। मैंने श्रद्धा को इशारा किया कि वो उनको बाहर ले जाए। उसने दोनों को बाहर भेज दिया, लेकिन वो खुद वहीं बैठी रही। ठीक है, आज मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, आज मैं इनको अपने ढंग से बताऊंगा कि ये किताबी बातें सिर्फ किताबों में ही होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। मेरा गुस्सा अब खतरे के निशान से ऊपर आ गया था। मैंने कहा, पापा मैं आदर्श नहीं समझता हूं, लेकिन कानून समझता हूं। अगर आप चाहते हो कि हम केस जीत जाएं, तो एक यही रास्ता है, नहीं तो पीयूष सारी उम्र जेल में रहेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता है। पापा ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मम्मी की तरफ मुड़े और बोले, देखा, इसीलिए मैं कह रहा था कि यहीं का कोई वकील कर लेते हैं, पर पीयूष माना ही नहीं, बोला मेरा केस निखिल ही लड़ेगा। अरे झूठे गवाह और सबूत इकट्ठा करके ये हमको जिता तो देगा, लेकिन सारी उम्र की कमाई हुई इज्जत यूं ही मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत? मैंने गुस्से में पूछा। ये भाई की लाइफ का सवाल है, और ये इज्जत, लिहाज, ऐसी बातों को आज मानता कौन है? पापा ने आंखों से चश्मा उतारा और अपने कुर्ते के कोने से उसको पोंछा, फिर धीरे से बोले, मैं मानता हूं निक्कू, पीयूष मानता है। ठीक है, मैं सोफे से उठ के खड़ा हो गया। तो फिर कहिए अपने आदर्शों को कि वही आके पीयूष को बचा लें। मैं वहां से उठकर अपना सूटकेस लेकर खड़ा हो गया। कुछ नहीं बदला था, पापा ने आज भी मुझको अपनी बातों से गुस्सा दिला ही दिया था। आज भी उनकी नजरों में मैं ही गलत था। मैं बिना कुछ सोचे अपने पुराने कमरे में आ गया, लेकिन अंदर आके देखा तो अब वो कमरा मेरा नहीं, बच्चों का था। मैं बाहर आया और मम्मी को आवाज दी। मम्मी ने उसके सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया, जो पीयूष का कमरा होता था। मैं अंदर आया और लाइट जलाई। दो मिनट में उस कमरे को देखता ही रह गया। दीवार पर मेरी और पीयूष की बचपन की फोटो थी, उसके सामने टेबल पर मेरी ट्रॉफी थी, मेरी वाली रॉकिंग चेयर, यहां तक कि मेरी गानों की सीडी भी, सब कुछ करीने से रखा हुआ था। ये मेरा कमरा था। पीछे से मम्मी बोली, पापा ने इसे तेरा कमरा बनाया है, कहते हैं पुराना कमरा निक्कू के लिए छोटा पड़ेगा। मैं बिस्तर पर बैठ गया। मैं पिछले कितने साल से यहां नहीं आया था, तब भी पापा ने मेरी जगह किसी और को नहीं दी थी। मैं बचपन से उनसे खफा रहा और उनके गुस्से के पीछे के प्यार को समझ ही नहीं पाया। मम्मी मेरे पास बैठ गई, मेरे कंधे पर सर रख लिया। मैंने उनके हाथ को सहलाया। 5 मिनट पहले जो गुस्सा था वो थोड़ा कम हो गया। आधी रात निकल गई, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि पीयूष के केस का क्या करूं, क्योंकि मुझे इस केस को अपने तरीके से नहीं, पापा के तरीके से लड़ना था। थोड़ी देर बाद मैं पानी लेने गया तो देखा ड्राइंग रूम की लाइट जल रही है, श्रद्धा वहीं बैठी थी, मैं भी वहीं बैठ गया। कुछ देर हम दोनों चुप रहे, फिर वो बोली, तू बड़ा कब होगा निखिल, पापा को कब समझेगा?
मैं कुछ नहीं बोला। उसकी बात ठीक ही तो थी, मैं बड़ा हुआ ही नहीं। अभी भी पापा से उन्हीं दिनों की बातों पर नाराज था जिनको बीते हुए भी जमाने बीत गए थे। वो फिर बोली, तूने पापा और पीयूष को बहुत हर्ट किया है, वो तुझको इतना प्यार करते हैं और तू कभी मिलने भी नहीं आया। मैंने अब भी कुछ नहीं कहा। कमरे में थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर श्रद्धा उठी और पीछे वाली टेबल की ड्रॉर से कुछ कागज में बंधा हुआ निकाल के बोली, ये देख पापा ने क्या बनवाया। कागजों में एक नई नेम प्लेट बंधी हुई थी, उस पर लिखा था गौरव शुक्ला, पीयूष शुक्ला, निखिल शुक्ला। मैंने उस नेम प्लेट को उंगलियों से सहलाया। ये सिर्फ पत्थर पर आंके हुए चंद शब्द नहीं थे, मेरे पापा का अनकहा प्यार था और उन्होंने अपने दिल और घर दोनों में मेरी जगह रखी हुई थी। काश मैंने भी अपने अंदर थोड़ा सा पीयूष, थोड़ा सा पापा को रखा होता। मैं तो आज तक सिर्फ केस जीतने के बारे में ही सोचता रहा। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था जब श्रद्धा खड़ी हुई और बोली, हम सबको तुझ पे भरोसा है। उसकी आवाज भर गई और गालों पर आंसू लुढ़क आए। मैं कहना चाहता था कि फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा भी गला भर आया था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर अब उस गलती को सुधारने का रास्ता भी मुझे ही निकालना था। ड्राइंग रूम की घड़ी ने 4 बजाए। श्रद्धा जाने लगी तो मैं भी खड़ा हो गया। बोला, एक बात बता, अगर इनको अपने जैसा आदर्शवादी वकील ही चाहिए था तो मुझको क्यों बुलाया, वो तो यहीं पे मिल जाते। श्रद्धा कुछ बोली नहीं, पर उसके चेहरे पर वही भाव था जो अभी कुछ देर पहले था जब उसने पूछा था, तू बड़ा कब होगा। वो बिना कुछ बोले चली गई। लेकिन मैं समझ गया, पीयूष को वकील की नहीं अपने भाई की जरूरत थी। मैं ये समझ ही नहीं पाया था, केस तो कोई भी लड़ सकता था, लेकिन उसके वापस आने तक हमारे परिवार को सिर्फ मैं ही संभाल सकता था। मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद पापा वहां आ गए। पीयूष ने घर में सबकी नींदें उड़ा दी थी। हम कुछ देर चुप बैठे रहे, लेकिन मेरे मन में खलबली मची हुई थी। पता नहीं बीती शाम की बातों का असर था या उस नेम प्लेट का असर था, या मैं बड़ा हो गया था शायद, या फिर शायद मैं पापा को बूढ़ा देखकर हिल गया था। पता नहीं क्या वजह थी, पर लाइफ में पहली बार मैंने पापा से कहा, आप मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, देख निकू, तू मेरा बेटा है, मैं तेरी कमजोरी समझता था, इसीलिए तेरे साथ स्ट्रिक्ट रहा। मैं चुप रहा। पापा बोले, निकू आज तू इतना बड़ा वकील ऐसे ही तो नहीं बन गया ना, तूने बहुत मेहनत की है, पर कभी सोचा कि ये फोकस, ये जज्बा तुझमें कहां से आया। मैंने कहा, आपकी छड़ी से। वो मुस्कुराए, बोले, तुझे वो क्रिकेट मैच याद है जब तुम हार गए थे। मैंने सर हां में हिलाया तो वो बोले, उस दिन अगर पीयूष तुझको आउट होने पे आउट नहीं देता तो उसके बाद तू इतनी लगन से दुगनी मेहनत करता, अगले साल स्कूल के लिए ट्रॉफी जीत पाता। मैं चुप रहा। उस जीत की खुशी आज भी मेरे दिल में थी और आज मैंने उसे पापा के चेहरे पर भी देख लिया था। पापा को आज मैं बेहतर समझने लगा था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मुझसे पानी की बोतल मांगी तो उनकी लाठी गिर गई। मैंने पानी की बोतल ली, लाठी उठाई और बोला, शुक्र है मेरी इससे पिटाई नहीं हुई। वो फिर मुस्कुराए, फिर उठने के लिए लाठी उठाने लगे तो मैंने अपना हाथ दे दिया। उन्होंने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर मेरे हाथ का सहारा लेकर खड़े हो गए। लाठी वहीं साइड में छोड़ दी। बोले, निकू पीयूष का। मैंने उनका हाथ दबाया। पापा फिक्र मत करो। उन्होंने सर हां में हिलाया और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ जाने लगे। मैंने धीमी आवाज में कहा, लव यू पापा। वो वहीं रुक गए और कुछ पल खड़े रहे, फिर बिना मुड़े ही गीली आवाज में बोले, आई लव यू सन, ऑलवेज हैव, ऑलवेज हैव। जो बात अब तक अनकही रह गई थी, आज पापा ने उसको कह दिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।